पर बात आती है जी एग्रीगेट फंक्शन की। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है? एग्रीगेट फंक्शन आपका ऐसा फंक्शन है जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए होता है। अगर आप जावा सी प्लस प्लस पाइथन में कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग करते हुए आपको डिफरेंट फंक्शंस जो है वो यूज करने पड़ते हैं। तो इसमें एग्रीगेट फंक्शन जो होता है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, डिफरेंट वैल्यूज जो होती है उसके सेट से रिलेटेड जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और हमें आउटपुट जो है वो एक सिंगल वैल्यू के फॉर्म में देता है। इसमें हमारे पास काउंट का फंक्शन है, मैक्सिमम है, मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सम आप देख सकते हैं, एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है आपका वो ये है कि सिलेक्ट मार्क्स, और मार्क्स सिलेक्ट करने के साथ आप मैक्सिमम लगाते हैं, मिनिमम लगाते हैं, सम एवरेज काउंट लगाते हैं, और फ्रॉम स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट टेबल के डेटा में से मार्क्स को लेके आप उसका मैक्सिमम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसी तरीके से एवरेज, सम और मिनिमम मैक्सिमम यूज करते हैं। तो हम देखते हैं माई एसक्यूएल वर्क बेंच में हम इसको कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूं जी सिलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसको मैं एग्जीक्यूट अगर करूं तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने पे मुझे जस्ट मार्क्स शो होते हैं, बट हमें मार्क्स नहीं चाहिए, हमें मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, एवरेज ऑफ मार्क्स, काउंट मार्क्स चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे मार्क्स को ब्रैकेट में लिख के और ब्रैकेट से पहले यहाँ पे लिख देते हैं मैक्सिमम, और इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करने पे हमें यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स शो करता है 96। अगर मैं यहाँ पे मिनिमम क्या लिख दूं, मिनिमम मार्क्स, तो ये इसको एग्जीक्यूट करने पे ये मुझे मिनिमम मार्क्स दिखाएगा 78। अगर मैं यहाँ पे एवरेज लिख दूं तो ये मुझे रिजल्ट के तौर पे एवरेज शो करवाता है। अगर मैं यहाँ पे काउंट लिख दूं, काउंट लिख के मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मुझे मार्क्स की नंबरिंग काउंट कर देता है कि कितने नंबर्स हैं इसमें, यानी कि 5 स्टूडेंट्स हैं तो 5 नंबरिंग है, यानी कि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो इस तरीके से आप जो एग्रीगेट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं।